अपने विधायकों और सांसदों से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने एक संतुष्टि जाहिर की थी और विधायकों ने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से जब वो बाहर निकले तो मीडिया उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन किसी ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें मनाही है कि हम आगे कुछ कहें। लेकिन अब आपको बता दें कि जो पुराने खिलाड़ी हैं और नीतीश कुमार के साथ एक लंबे राजनीतिक जीवन को जिया है, वो जीतन राम मांझी एक बार फिर से अब एक नया खुलासा कर दिए हैं। इस नए खुलासे में जीतन राम मांझी ने जो बातें कही है वो बिहार की राजनीति और खास करके अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार के लिए काफी विस्फोटक है। इस बड़े खुलासे में जीतन राम मांझी ने उन सारी बातों को रख दिया है जो आज हो रहा है और जो आने वाले समय में होने वाला है। सुनिए क्या कहा है जीतन राम मांझी ने। तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट हुई है और ये कयास लगाए जा रहे हैं, और खुद नीतीश कुमार लगातार 2-3 दिनों से विधायक और सांसद से मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि जदयू में भी कोई एक बड़ी टूट की संभावना बनती है? देखिए, कहा जाता है ना कि प्रथम ग्रासे मच्छ का पात, तो पहली बार पटना में वो लोग मिले और दूसरी बार मीटिंग करने की बात शिमला में की, तो फिर हुआ कि बेंगलुरु में होगा, फिर होगा कि 13 था तो वो बढ़ गया और उसके रिएक्शन में ही महाराष्ट्र में टूट हो गई। और टूट हो गई तो अलग अपना अस्तित्व न रख कर करके वो सब एनडीए के पार्टनर बन गए और एनडीए में मंत्री पद भी शायद मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है कि बिहार में भी उसी तर्ज पर यहाँ भी बहुत कस करके भगदड़ होने वाली है और उस भगदड़ में निश्चित रूप में नीतीश कुमार जी के संग जो काम कर रहे हैं उस चीज़ को हम जानते हैं कि आज भोज के आगू कोहड़ा लोग लगा रहे हैं। अब 4 वर्ष में नीतीश कुमार किसी से नहीं मिलते थे, जब जीतन मांझी एक्स चीफ मिनिस्टर था उससे भी भाया मीडिया मिलते थे, विजय चौधरी के माध्यम से मिलते थे, तो आप जोड़ सकते हैं कि उसको भी अपमान जब कर सकते थे तो बाकी विधायक और मंत्री का क्या हालत रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जितने विधायक और मंत्री हैं राजनीति में वो सब घुट घुट करके जी रहे हैं और समय पाते ही जैसे महाराष्ट्र में हुआ, लग रहा था कुछ नहीं तो पहले संख्या आ गई 30 की, फिर हो गई 40, अब देखिए 50 की संख्या हो गई। उसी प्रकार से बिहार में भी 43 है ना, 43 में शायद 3-4 उनके साथ रह जाएं, बाकी सब बाहर चल जाएंगे। अंतोदगतवा मेरे समझ में लगता है कि सब राजद में विलय कर देंगे। एक सवाल और सर की, जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव पहले होने की कवायद, लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की जिस तरह से बात हो रही है और बिहार में जो समीकरण बन रहे हैं, लग रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव भी पहले करा सकते हैं समय से पहले? अब ये जो अभी कवायद वो कर रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं, तो हम समझते हैं कि 43 आदमी की राय नहीं होगी, कोई नहीं चुनाव चाहता है अभी की परिस्थिति में। MLA लोग ये जरूर चाह सकते हैं, लेकिन MLA मेरे समझ से अधिकांश यही राय दिया होगा कि चुनाव मत कराइए, तो ये चुनाव विधानसभा का नहीं करा सकते हैं। रही बात लोकसभा का, तो लोकसभा का चुनाव अभी मेरे समझ से नहीं होने की संभावना है, इसलिए भी कि अब मात्र तो 9 महीना समय है ही है, इसी बीच में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, फिर POK का मामला चल रहा है, ये सब मामला का सेटलमेंट हो जाएगा तब चुनाव होगा, तब तक के 8-9 महीना समय लग जाएगा। लेकिन राजनीति एक संभावनाओं का खेल होता है, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि लोकसभा का चुनाव पहले नहीं होगा, और अगर होगा भी तो मैं समझता हूँ कि NDA की जो अभी परिस्थिति बन रही है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी आज संसार के राजनीति में, विश्व के राजनीति में आज चैंपियन बने हुए हैं, रूस और अमेरिका दोनों को एक पलड़ा पर अपना रखे हुए हैं, बैलेंस किए हुए हैं, ये उनकी दक्षता का प्रमाण है। ऐसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के लोग उनके जो टॉवरिंग
लीडरशिप है उसको। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।